भाजीमो इंदौर महानगर द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। राजवाड़ा पर भाजीमो ने कमलनाथ पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और पुतले को जूतों की माला पहनाकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ दिनों पूर्व मंदिर वाला केक काटा था, जिससे भाजपा ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष द्वारा कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। वहीं खालसा कॉलेज में सिख समाज द्वारा उनके विरोध किया गया था। युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला दहन किया जा रहा है। भाजीमो कार्यकर्ताओं ने इसका उद्देश्य बताया था कि गधे को हमने राहुल गांधी के रूप में बनाया था और कमलनाथ के पुतले को बिठाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से रहती है, जब जब हिंदू हित की बात करते हैं तो उसका विरोध करते हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अरे जलने दो उसको, अरे जलने दो यार, अरे अपना क्या जलना यार, फिर जलो, फिर जलो, अरे यार वो जलने नहीं देगा तुमसे। अरे मोबाइल आने सोनू का आईडी भी चला। साइड में करवाओ ना यार, भैया कोई सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं दे रहा बिल्कुल भैया, साइड में करवाओ ना। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इंदौर महानगर के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, नौजवान युवा साथियों ने जिस तरह से इस ढोंगी कमलनाथ का, जो आज चुनावी हिंदू बनकर जिस तरह से हमारे धर्म पर उसने हमला किया है, हम सब सनातनी हिंदू को लेकर अपना ध्वज लेकर निकले हुए हैं, जिस तरह से भारत का प्रत्येक नौजवान युवा अपने संकल्प को लेकर कि धर्मो रक्षति रक्षता के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, और ये ऐसे ढोंगी कमलनाथ जैसे जो हिंदू बनने का बखान करते हैं, आज उन्होंने हमारे धर्म की आस्था पर, हमारे आत्मसम्मान पर, स्वाभिमान पर जिस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया है, धर्म पर हमला किया है, तो आज इंदौर का प्रत्येक नौजवान युवा उसको लेकर कमलनाथ जैसे ढोंगी हिंदू का पुतला दहन कर रहे हैं। और हमेशा ये इनकी परंपरा आज ही की नहीं रही है, ये समस्त जितने भी इनके बयान रहते हैं, चाहे राहुल गांधी के हों चाहे कमलनाथ के हों, ये हमेशा हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान देकर अपने आप को मीडिया पर बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आज इसको लेकर युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है उसका ये। इसको लेकर के क्या आप पुलिस में कहीं प्रकरण दर्ज कराने या इस तरह की कोई शिकायत दर्ज कराने की कोई प्रक्रिया आपकी है क्या? नहीं, पुलिस में प्रकरण की प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको दंड देना चाहिए कमलनाथ को, वो दंड दिया है इंदौर के नौजवान युवाओं ने पुतला जलाकर।